सर इज अ रियली वेरी इनक्रेडिबल स्पीकर. तो आज जो इन्होंने हम लोगों के लिए किया, जो पेरेंट्स के लिए किया, वो रियली माइंड ब्लोइंग है और वो हमेशा मेरे लिए याद रहेगा हम लोगों को. और हम इंशाल्लाह वो आज से हमारी लाइफ में इंक्लूड भी करेंगे सारे पॉइंट्स. एक और क्वेश्चन था कि आप जो सिंगल पेरेंट्स रहते हैं ना, उनको काम करने का जरूरत रहता है, तो उन बच्चों के साथ कैसे स्पेंड करते हैं? सिंगल पेरेंट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझ सकता हूँ. टाइम स्पेंड करने के लिए टाइम नहीं मिलता, शॉर्ट टाइम रहता, तो वो टाइम पर कैसे बचे? तो मैंने वही कहा कि उसमें से ही थोड़ा सा वक्त, 3 से 5 मिनट, ज्यादा नहीं, फिक्स मीटिंग का. और हफ्ते में एक छुट्टी तो मिलती है, वो सारी छुट्टी उनके साथ बिताए या उस दिन ज्यादा वक्त बिताए, क्योंकि बच्चे भी बहुत समझदार हैं. वो अपने मम्मी पापा की मेहनतों को और सही काम को ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए बच्चे बोल भी लेते हैं मैं कमाने जाऊँगा तो आपको नहीं करने नहीं दूंगा, अभी आप बहुत थक गए हैं. ये बात क्यों नहीं करती है कि उनके पास ये एहसास होता है कि मम्मी पापा हमारे बहुत करते हैं, हम रिटर्न देंगे उनको, जो बहुत नसीब की बात होती है. आप जो बिजी हैं और आपको इसका एहसास है, ये भी बहुत बड़ी बात है. आप ये कह सकते हैं, लेकिन जब भी वक्त मिलता है उनको ये महसूस होना चाहिए इतनी बिजी रहने के बावजूद भी मेरे लिए वक्त निकालते हैं, और खास वक्त आज का है, तो छुट्टी है बेटा, आज का वक्त आपके लिए. तो इस तरह से करें तो प्लस हो जाता है. थैंक यू वेरी मच.